नमस्कार, स्वागत है आपका संखनाद मीडिया हाउस और प्रदेश समाचार नेटवर्क में। मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश झा, बम्बम झा, रोशन झा के साथ अभी खरहड़ा पंचायत में मौजूद हूँ, जहाँ नवनिर्वाचित यूथ मुखिया को यहाँ की जनता ने सेलेक्ट किया है। और हमारे सामने मनीष कुमार जी बैठे हुए हैं, काफ़ी यंग हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं। इनसे चर्चा परिचर्चा के क्रम में बात करने में भी मैं भी उत्साहित हुआ, क्योंकि इनकी सोच बिल्कुल नई है। तो सर्वप्रथम, चूँकि 6 महीने नए पंचवर्षीय कार्यकाल का बीत चुका है, क्या इस दरमियान इन्होंने अपनी जनता के लिए, अपने पंचायत की जनता के लिए क्या कुछ सोच बना रखी है, या डेवलपमेंट, चूँकि विकास को लेकर ही ये पंचायत में एक मुखिया के रूप में आए हैं, तो विकास का कौन कौन सा मुद्दा, कौन कौन सा काम इनके मद में अभी खुला है या खुलने का पिटारा बाकी है, इसके बारे में मैं जानकारी लूंगा। सर्वप्रथम मैं इनसे परिचय आप सबों को दिलवाता हूं। सर्वप्रथम मुखिया जी, प्रदेश समाचार टीम और संखनाद मीडिया हाउस की तरफ से आपका अभिवादन। और आप परिचय देते हुए, चूँकि ये शहीद सतीश चंद्र झा जी की धरती है, गांव है, तो विशेष रूप से भी पूरे बिहार और वरन बिहार ही ना कहा जाए, पूरे देश के लिए ये एक स्वाभिमान का गांव है, तो आप दो शब्द कहेंगे। माइक पकड़ लीजिए। सबसे पहले मैं संखनाद मीडिया हाउस और प्रदेश समाचार नेटवर्क को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। शहीद सतीश चंद्र झा की भूमि खड़ारा में आप लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल फिलहाल जो चर्चाएं चल रही है जिला स्तर पर, या मुख्यमंत्री की जो ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है, हर घर स्वच्छ पानी को पहुंचाना, इलेक्शन के जब समय में जब हमारी टीम हर क्षेत्र में जा रही थी, क्योंकि पूरा झारखंड और बिहार हमें देखना पड़ता है, और जो हमारी टीमें काम कर रही थी, तो पीएसडी के द्वारा यहाँ जल मीनार की निर्माण की गई, काफ़ी दयनीय स्थिति, और इस पर हम लोगों ने काफ़ी मुद्दा उठाया। हो सकती है हमारी ये आवाज़ सरकार तक पहुँच गई हो और जिला और प्रखंड के आला अधिकारियों तक ये मैसेज आ गया हो, इसलिए इस बार जो पहला संदेश आया है काम का, वो आया है हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाना। तो इस विषय में आप अपने इस खरहड़ा पंचायत के लिए क्या कहेंगे? पूर्व में जो भी काम किया गया मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। जी, मैं अपने रीजन में, मैं हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाऊं, ये मेरा प्राथमिक प्रोजेक्ट है, ये प्राथमिकता मैं देना चाहता हूं। और जैसे आप मेरे पंचायत में एंट्री किए होंगे, जी हाँ, वहाँ पर एक द्वार है, जी द्वार है, जाता हूँ जी, जो उसको मैं अच्छे से उसको भी इस्टेब्लिश करूँगा। और उससे थोड़ा सा आगे जब आएंगे तो वहाँ स्कूल है, जी हाँ, माध्यमिक स्कूल, हाँ, मिडिल स्कूल है, उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय स्थिति है, तो मैं चाहूँगा कि उसकी स्थिति को ठीक करते हुए वहाँ पर एक गार्डन बनाया जाए। गार्डन बनाऊँगा और शहीद सतीश चंद्र झा का स्मारक बांका में भी नहीं है, बांका मैनपुर ढाका मोर में है, ठीक, मेरे गांव में भी नहीं है अभी तक, तो मैं चाहता हूँ कि अपने गांव में वहाँ पर एक स्मारक बनवा, उनका एक स्टैचू होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अननोन पर्सन है उन्हें ये लगे कि मैं सतीश चंद्र झा, शहीद सतीश चंद्र झा जी के नगरी में पहुंच चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच है आपकी। आने के क्रम में मैंने हॉस्पिटल भी देखा, उसके सामने काफ़ी दुकानें हैं और कुछ गंदगियां भी फैली हुई है। विगत कुछ समय पहले कोरोना काल में बहुत से प्रोटोकॉल को लगाया गया, तो इस गंदगी के लिए आप क्या सोच रहे हैं, या उस दुकान, क्या वो दुकान जो है वो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट से संबंधित है? गवर्नमेंट से, ऐसा मैंने सुना है कि गवर्नमेंट
फंड से ही बनाया गया था जी हाँ, लेकिन उसका राजस्व नहीं मिल पा रहा है। राजस्व की कोई मतलब लेखा जोखा ही नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है, यानी अभी तक उस राजस्व का पैसा किस मद में जा रहा है ये अभी जानकारी नहीं है। ये जानकारी नहीं है, एक बहुत शोचनीय मुद्दा मुखिया जी ने बताया मनीष कुमार के द्वारा, ये सामने आया कि सरकार के द्वारा बनाई गई यह जो दुकानें थी इसका राजस्व किस मद में जा रहा है ये अभी बिल्कुल कब्र के गर्त में छुपा हुआ है, जिसे इन्होंने खोदना शुरू कर दिया है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावे मुखिया जी आप ये बताइए, 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जो आपके खरारा पंचायत की जनता जिस विकास के मुद्दे पर आपको लाई है, तो क्या कुछ ऐसा काम, ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने अपने मन में स्वीकार कर लिया है, या फिर ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए आप काफ़ी उत्साहित हैं? बिल्कुल, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि अपने पंचायत को मैं आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करूं जी, और उसको करने के लिए मैं यहाँ के लोगों की मदद ले रहा हूँ कि उनको कैसा पंचायत चाहिए, उन लोगों से मैं सलाह मशवरा करके और एक प्रोजेक्ट बना के मैं काम करूँगा और उसको एक आदर्श पंचायत के रूप में मैं, सफाई मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि स्वच्छ रहे। और जैसे आप देखे होंगे हॉस्पिटल तो अभी बन के तैयार हो चुका है, अभी उसमें डॉक्टर्स लोग आने वाले हैं, अभी मुझे लगता है कि अप्रैल के बाद मई से स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि फर्स्ट टाइम है, सोच इनकी काफ़ी ऊंची है, उड़ान भी इनको ज़्यादा ऊंचा भरना है, यंग जनरेशन है, यहाँ की जनता ने इसी एनर्जेटिक पहलू को देखते हुए मनीष कुमार मिश्रा जी को इस क्षेत्र में लाया है, ये इनकी जन्मभूमि भी है और यही इनकी कर्मभूमि भी बननी है, तो स्वाभाविक है कि आने वाले 5 सालों में ये बहुत कुछ अपने इस खरारा पंचायत की जनता को देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।